गाइस आप देख सकते हो, ये है हमारे पास में एक मिनी हेलीकॉप्टर जो कि हमने ऑनलाइन मंगाया है इसको, और ये आपको फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल सकता है। चलिए इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या साथ में आया है और क्या क्या साथ में नहीं आया है। तो गाइस आप देख सकते हो, इसके अंदर जो ये हेलीकॉप्टर है, ये एक छोटा सा मिनी हेलीकॉप्टर, साथ ही में इसके यहाँ पे देख सकते हो ये है एक रिमोट कंट्रोल जो कि ये कंट्रोल होगा, और इस ये जो है सेंसर से चलता है, मतलब कि इस हाथ से भी अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ में एक केबल भी आई है जो कि ये नीचे गिर चुकी है, ये रही केबल, ये केबल भी इसके साथ में आई है। तो चलिए इसके टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं ये कैसा उड़ता है, कैसा चलता है, ये कैसा इंजॉय आता है अपन को। तो अपन इसको साइड में रख देते हैं यहाँ पर, और इसके जो पीछे इधर सेल डालते हैं अपन, इसमें पीछे दो सेल डालते हैं। तो हमने इसको ऑलरेडी डाल रखा था, इसको चेक भी कर लिया हमने, लेकिन इसको एक बार आपको दिखा देते हैं ये कैसा चलता है। तो गाइस ये जो देख सकते हो आप, ये यहाँ से चार्ज होता है जो कि लगभग 20 मिनट में पूरा चार्ज हो जाता है, और ये चलता है लगभग 5 से 10 मिनट ये चलता है, और ये काफी ऊपर तक जाता है। तो मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ, इसको ऑन कर देते हैं, उसके बाद में हमारा जो रिमोट है इसको भी यहाँ से ऑन हो जाता है, ये यहीं से ऑन या ऑफ होता है। उसके बाद में एक है ये स्टार्ट करने का, जो कि मैं स्टार्ट का बटन दबाऊंगा और ये चलने लगेगा। ये देखिए मैंने स्टार्ट दबाया, और अब मैं इसको बंद कर देता हूं तो ये बंद हो जाता है। तो इन ऐसे स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन है, और ये जो एक और बटन है ये है अप करने का, मतलब ये ऊपर जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टार्ट करते हैं और ये कैसा उड़ता है क्या। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में ये जो ये अप करने का बटन है इसको अपन अप करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, देखना ये। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैं अप कर रहा हूं तो ये ऊपर उड़ रहा है, देखिए। बस इसका इतना है कि अपन को इसमें थोड़ा बहुत पास में रहना पड़ता है इसके, तो ताकि इसके जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। ये काफी ऊपर तक जाता है, देखिए, तो ये इतने ऊपर तक जा सकता है, ये देखिए। देखिए 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 काफी ऊपर तक गया है। गाइस आप देख सकते हो ये जो हेलीकॉप्टर है, ये एक बिना रिमोट से भी चलता है, मतलब कि जो हमारा ये हाथ है इसकी मदद से ये ऑटोमेटिक चल जाता है, और ये इसी की मदद से ऑटोमेटिक अपन उड़ा सकते हैं इसको हाथ की मदद से, ताकि जो ये सेंसर वाला है तो अपन इसको उड़ा सकते हैं हाथ की मदद से, लेकिन ये ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, लेकिन रिमोट की मदद से ये काफी ऊपर चला जाता है। तो काफी मस्त चीज है बच्चों के एंजॉय के लिए, और हम भी कभी कभी मेले में जाते थे, इस चीज को देखते थे, तो हम इसको आज लेकर आए हैं आपके लिए। देखिए कुछ इस प्रकार से काम करता है हाथों के सेंसर से। डिश हो गया है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से ये जो हेलीकॉप्टर है, एक सेंसर की मदद से, मतलब कि हाथों की मदद से भी काम करता है, और एक रिमोट की मदद से काम करता है। रिमोट से इतना है कि ये रिमोट से काफी ऊपर चला जाता है, तो कि इसकी कनेक्टिविटी है वो ज्यादा होती है रिमोट से, और हाथों से जैसे ही नीचे आता तो अपन हाथ लगाते तो ये फिर ऊपर जाता है, तो इसकी कनेक्टिविटी कम है हाथों की। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको वीडियो से अच्छा अगर ये हेलीकॉप्टर लगा तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, और हेलीकॉप्टर के लिए लाइक कर देना। और ये आपको फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल सकता है, वहीं पे आपको इसकी रेट वगैरह जो भी है वहां पे देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।